There are different branches. कौन कौन सी branches हैं इसमें? This is one junction. और junction के नाम बताइए. B is a junction, C is a junction, D is a junction. Branches कौन कौन सी है? A to B is one branch, A to C is one branch, B to C, C to D and D to B. These are the branches. हमको इसमें क्या बताना है? Current in each branch. तो इसके लिए हम किरचॉफ लॉ को यूज करेंगे. किरचॉफ लॉ को किस तरह से यूज करना है देखिए. पहले हमको आर्बिट्रेरी करंट माननी है. इस सेल से करंट जो निकल के जाएगी इस वी टेक एज आई वन. आई वन तो ये बताइए आई वन कहां से कहां तक होगी? आई वन ये ब्रांच कहां से कहां तक है? सी टू ए. तो यहां पर भी करंट कितनी होगी? आई वन. ये पूरी आई वन करंट. ये करंट चलकर जंक्शन ए में पहुंचती है. जंक्शन ए में पहुंचने के बाद दो रास्ते, किसी भी एक रास्ते में चली जाएगी. ओके. एक ये इलेक्ट्रिक सोर्स है, ये रेफरल सोर्स है. यहां से भी एक करंट निकालते हैं. लेट दिस करंट बी आई टू. आई टू सो ये आई टू इधर गई, आई वन इधर गई. अब यहां से एक करंट यहां जाएगी, कुछ पोर्शन इधर जाएगा. इस पोर्शन को हमने माना लेट दिस पोर्शन बी आई थ्री. ओके. ये आई थ्री यहां तक गया तो यहां पर कितनी करंट होगी? इस ब्रांच में बताइए कितनी करंट आएगी? यहां से I1 आई थी, उसमें से I3 इधर चली गई, तो यहां कितनी बचेगी? I1 माइनस I3. ये करंट यहां आ गई. ओके. ये I3 यहां तक पहुंचा, यहां तक I3 पहुंचा. इधर से कौन पहुंचा है? I2. ये I3 इधर से आया I2, तो यहां पर करंट बताइए I2 प्लस I3 इधर नीचे की तरफ आएगी. सो हियर वी हैव दिस I2 प्लस I3, ये नीचे आएगी. ओके. I2 I3 कहां से कहां तक जाएगी? B से स्टार्ट होगी और C तक आएगी. ओके. C में फिर एक जंक्शन मिलेगा, उस जंक्शन पर इस तरफ करंट चलेगी कितनी? I1. तो C से इधर कितनी करंट आएगी? यहां से कितनी आ रही थी? I2 प्लस I3, उसमें से कौन माइनस हो गया? I1. तो बाकी क्या बचा? I2 प्लस I3 माइनस I1. ये करंट इसमें फ्लो हो रही है. ये कहां तक आएगी? डी तक. जब ये यहां पर आएगी डी तक, तो इधर से एक करंट आ रही है. कौन सी? आई वन माइनस आई थ्री. ऐसे आई वन माइनस आई थ्री. अब इस जंक्शन पर ये करंट आई, ये करंट आई, तो ये करंट कितनी होगी? इन दोनों के एडिशन के बराबर. इन दोनों का एडिशन हमने करके देखा तो माइनस आई वन प्लस आई वन कैंसल, प्लस आई थ्री माइनस आई थ्री दिस इज कैंसल. क्या बचा? तो यहां हमारे अनुसार ऐड करने के बाद कितनी करंट जानी चाहिए? आई टू. एक्चुअल करंट यहां कितनी है? आई टू. मैच हो गया, दैट मीन्स अवर डिस्ट्रीब्यूशन इज करेक्ट. तो यहां पर करंट कितनी आ गई? आई टू. अब देख लीजिए कोई ऐसी ब्रांच है जिसमें करंट की कैलकुलेशन बाकी हो. ऑल कैलकुलेशंस आर डन. ओके. तो ये हमारा किरचॉफ लॉ का फर्स्ट लॉ अप्लाई हो गया. हर जगह हमने करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया. इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके. नाउ वी टेक द सेकंड लॉ. तो पहले हमने क्या किया? करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड. करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज
श्योर। ये हो गया। उसके बाद अब हम सेकंड शुरू करते हैं, सेकंड लॉ दैट इज लूप लॉ। लूप लॉ के लिए स्टार्ट करते हैं, कोई भी लूप लीजिए, छोटे से छोटे लूप से स्टार्ट किया करिए। ओके, वी कैन टेक एनी लूप, ये वाला लूप लेते हैं, ये दिस इज बी सी डी ई लूप, बी सी डी ई एंड डी, ये लूप। आप लोगों ने अगर डायग्राम नहीं बनाया है तो डायग्राम आपने बना लिया सबने, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। अब हम लोग लेते हैं लूप लॉ दैट इज वोल्टेज लॉ, इक्वेशंस बनाएंगे अलग अलग। हमारा पर्पस क्या है, I1, I2, I3 ये जो अननोन क्वांटिटीज हैं इनका पता करना। अगर इनकी वैल्यू हमको मालूम करनी है तो हमको इनके इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, वो इक्वेशन हमको लूप लॉ से मिलेंगे। तो पहले लूप लेते हैं हम, ये दिस लूप, और इसकी कैलकुलेशन ऐसे करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। हमारी इच्छा है कहीं से भी कर सकते हैं, वी डू इट एंटी क्लॉकवाइज। ओके, स्टार्ट फ्रॉम बी, बी से लेके सी तक हम आते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट I2 प्लस I3, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस 2 I2 प्लस I3, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। व्हाट विल बी इट्स साइन, प्लस, बिकॉज़ वी आर गोइंग अलोंग द करंट। उसके बाद सी से डी तक आइए, 2 मल्टीप्लाइड बाय, इसका साइन क्या होगा, वी आर कमिंग अलोंग द करंट, तो इसका साइन भी होगा पॉजिटिव। सो दिस इज प्लस I2 I3 माइनस I1 and this is to be multiplied by 2. इसके बाद डी तक पहुंच गए हैं, अब डी से इधर चलते हैं वापस जाने के लिए। दिस इज 5 वोल्ट, इसको क्या लिखना है, इधर से इधर जाएंगे, दिस इज लोअर, दिस इज हायर, सो दिस विल बी माइनस 5। और अब कहां पहुंच गए, बी। नाउ वंस वी हैव रीच्ड बी, द लूप इज कंप्लीट एंड द कंप्लीट सम इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे एक स्टेप, I1, I2, I3 सब हमको अलग अलग करने हैं, सो दिस इज 2I2 प्लस 2I3 प्लस 2I2 प्लस 2I3 माइनस 2I1 इज इक्वल टू माइनस 5 को इधर ले गए प्लस 5। ओके, अब इसमें I1 वाले देखिए, I2 वाले और I3 वाले, दिस इज माइनस 2I1 देन I2 2I2 2I2 प्लस 4I2 I3 वाले देखिए, I3 एंड I3 प्लस 4I3 इज इक्वल टू 5 माइनस 2I1 प्लस 4I2 प्लस 4I3 इज इक्वल टू 5। कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है इसलिए कैंसिलेशन नहीं होगा। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। ओके, आपके पास कितनी अननोन क्वांटिटीज हैं, 3, तो हमको कितने इक्वेशन बनाने चाहिए, कम से कम 3। ओके, नाउ वी गो फॉर सेकंड इक्वेशन, ए बी सी ए A से B तक 4 × I3, 4 × I3 इसका साइन, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज कैलकुलेट कर रहे हैं, 4 × I3 इज पॉजिटिव। उसके बाद B से C तक आएंगे,
रेसिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट आर इनटू आई, और इसका साइन कैसा होगा, वी आर गोइंग अलोंग द करंट सो इट विल बी पॉजिटिव अगेन, प्लस टू ब्रैकेट में आई टू प्लस आई थ्री। उसके बाद सी से ए तक जाना है, सो यहां से चलते हुए ये पहले रेसिस्टेंस मिला, दिस इज वन ओम एंड द करंट इज आई वन प्लस वन आई वन, वन मल्टीप्लाई बाय आई वन। उसके बाद ये कितना आएगा बताइए, माइनस टेन वोल्ट, माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो क्योंकि ए पे वापस पहुंच गए, ये आ गया। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फोर आई थ्री प्लस टू आई टू प्लस टू आई थ्री प्लस आई वन इज इक्वल टू टेन, सो दिस इज माइनस आई वन प्लस टू आई टू एंड फोर एंड टू सिक्स प्लस सिक्स आई थ्री इज इक्वल टू टेन। प्लस आई वन, ओके दिस इज प्लस आई वन, टू आई टू फोर एंड टू सिक्स आई थ्री इज इक्वल टू टेन, इज इट ओके नाउ, ओके दिस इज इक्वेशन नंबर टू। अब इक्वेशन नंबर थ्री के लिए और एक टू ढूंढिए, ए सी डी ए, ओके ए सी डी ए, ए से सी तक आते हैं, किस डायरेक्शन में जाएंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, ओके एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो ए से पहले इधर आएंगे, सो दिस विल बी फोर मल्टीप्लाइड बाय आई वन माइनस आई थ्री, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, फोर आई वन माइनस आई थ्री, ये यहां का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। फिर यहां जाना है, अब हम जब डी से सी जाएंगे, वी आर कैलकुलेटिंग अपोजिट टू द करंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा आएगा, माइनस, क्योंकि इधर लोअर है इधर हायर है, सो दिस विल बी माइनस टू इंटू आई टू प्लस आई थ्री माइनस आई वन, यहां तक आ गया। उसके बाद यहां से यहां जाना है, वी आर गोइंग अलोंग द करंट, अलोंग द करंट जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, तो प्लस आई वन इंटू वन आई वन, और उसके बाद यहां से यहां गए माइनस टेन वोल्ट, माइनस टेन इज इक्वल टू ए पे पहुंच है जीरो, सो दिस इज फोर आई वन माइनस फोर आई थ्री माइनस टू आई टू माइनस इंटू प्लस माइनस टू आई थ्री माइनस इंटू माइनस प्लस आई वन प्लस आई वन इज इक्वल टू टेन को ट्रांसफर कर दिया प्लस टेन। अब यहां पर आई वन दो बार आया, टू आई वन आई टू, सॉरी आई वन और ये भी आई वन है, तीन बार आया, टू एंड फोर सिक्स, माइनस टू एंड माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस सेवन एंड वन, ओके सो टू एंड वन एंड फोर सेवन, सेवन आई वन। अच्छा अब आई टू को कैलकुलेट करिए, माइनस टू आई टू, इसके बाद आई थ्री, बस ये दो ही है, माइनस फोर एंड माइनस टू माइनस सिक्स आई थ्री इज इक्वल टू टेन। दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री। हमको कितने इक्वेशंस की जरूरत थी, वी नीडेड ओनली थ्री बिकॉज देयर आर थ्री वेरिएबल्स आई वन आई टू आई अनोन, तो तीन इक्वेशन हो गए। अब आपको मैथमेटिक्स करनी है, एक्स वाई जेड उसके तीन इक्वेशन है, आई वन आई टू आई थ्री निकाल दीजिए। किस तरह से निकालते हैं, अगर आपको प्रोसेस याद नहीं है तो मैं अलजेब्रा की वो प्रोसेस आपको याद दिलाऊं,
आप दो जोड़ियां बनाएंगे, टू पेयर्स, जैसे इक्वेशन वन एंड टू और इक्वेशन टू एंड थ्री दो जोड़ी बनी, वन और टू में से आप आई वन को एलिमिनेट करिए, तो टू और थ्री में भी किसको एलिमिनेट करोगे, आई वन को ही करोगे। तो जब वन और टू इक्वेशन में आई वन को एलिमिनेट करोगे तो रिजल्ट में किसका इक्वेशन मिलेगा, आई टू और आई थ्री का, और उन दोनों में से भी आई वन को एलिमिनेट करोगे तो उसमें से किसका मिलेगा, आई टू आई थ्री का। तो वो जो दो इक्वेशन मिलेंगे आई टू और आई थ्री के, उनको आपस में ऑपरेट करो एक्स वाई वाले, फिर उसमें से एक्स और वाई, आई टू और आई थ्री दोनों की वैल्यू अलग अलग निकाल, ये तरीका। तो इस तरीके से हम बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास फाइव इक्वेशंस आ गए और फाइव अननोन, तो पहले फाइव में से हम चार पेयर बनाते हैं, आई वन को हर एक में एलिमिनेट करेंगे, तो आई टू आई थ्री आई फोर आई फाइव, इसके हमको चार इक्वेशन मिलेंगे, फिर उस चार के तीन बनाएंगे हर एक में से आई टू को एलिमिनेट करेंगे, फिर उस तीन से दो बनाएंगे हर एक में से आई थ्री को एलिमिनेट करेंगे, फिर हर एक में से आई फोर को करेंगे। इस प्रोसेस से अगर आप नहीं करेंगे तो बीच में अटक जाएंगे, एक में से आई वन को एलिमिनेट कर दोगे, दूसरे में से आई टू को कर दोगे, तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, अब बनाइए, वन और टू में किसी एक को एलिमिनेट करिए, उसी को टू और थ्री में करिए। फाइव टू की वैल्यू 15 अपॉन 8, फाइव थ्री की वैल्यू 5/8, ओके, ये सब का आया, सो यू हैव डन इट। लेकिन आंसर देने में थोड़ा सा हमको और आएगा, क्यों, ब्रांच ए सी, सी टू ए कितनी करंट है, आई वन, ए सी इज इक्वल टू आई वन 5/2। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच ए बी, ए बी में कितनी करंट है, आई थ्री, सो वी विल राइट इट 5/8। उसके बाद डी ई बी, DEB which is equal to I2, I2 is equal to 15/8. ओके, अब हम इसमें आते हैं, दिस ब्रांच AD, AD में कितनी करंट होगी, I1 minus I3, this is I1 and this is I3, I1 minus I3 कितना हो गया, 15/8 करेक्ट। उसी तरह से ये निकाल दीजिए बी सी, आई टू प्लस आई थ्री, आई टू प्लस आई थ्री इज 20/8, दैट इज 5/2, 5/2 एम्पीयर। और उसके बाद सी टू डी, आई टू प्लस आई थ्री माइनस आई वन, I2 plus I3 minus I1 कितना आया, जीरो, ओके, सो दिस इज सी डी, द करंट इज जीरो, नो करंट, ये तरीका आ गया। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। क्वेश्चन फ्रॉम रेसनिंग हॉलीडे, सो इसको आप लोग अपने आप सॉल्व करिए, पहले करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करिए, उसके बाद लूप का डिस्ट्रीब्यूशन करके उसके इक्वेशंस बनाइए करंट को। ये
I1 करंट मानते हैं तो पिछला जंक्शन कौन सा है? B. अगला जंक्शन कहाँ है? A. तो B से लेके A तक पूरा क्या चलेगा? I1. ठीक है. बैटरी नंबर टू, इसमें इस ब्रांच में लीजिए करंट I2. I2 कहाँ से कहाँ तक होगी? B से लेके A तक I2. इसी तरह से इसमें कौन सी करंट ले लेते हैं? I3. I3 ये यहां से चलेगी और यहां तक जाएगी. आप चाहे तो I3 ले सकते हैं या I3 के इक्विवेलेंट ले सकते हैं. देखिए कैसे इक्विवेलेंट लेगा. यहां पर इस जंक्शन पर आइए, इधर से कितनी करंट आ रही है? I1. इधर से कितनी करंट आ रही है? I3. और इधर से कितनी करंट जा रही है? I2. तो इन तीनों का सम कितना होगा? I1 plus I2 plus I3 is equal to 0. This is first law. ठीक है? ये हमारा एक इक्वेशन बन गया. I1 plus I2 plus I3 is equal to 0. कुल आपको कितने इक्वेशन लगेंगे? 3. क्योंकि तीन अननोन है जिसमें से एक तो ये बन गया. ठीक है? बाकी दो इक्वेशन और चाहिए. दो इक्वेशन और हम किससे निकालेंगे? लूप लॉ से. तो यहां पर लूप लॉ लगाते हैं. E2 4 volt, E1 2 volt, 4 volt, ये ज़्यादा strong होगी. Anyway, calculation आप कैसे करना पसंद करेंगे इसमें बताइए. Clock की anti clock, clockwise, okay, clockwise. ठीक है, A से start करते हैं, so this will be minus. A B, E1 and A. ये हमारा लूप है जिसमें कैलकुलेशन करने जा रहे हैं. A, B, E1, A. तो यहां पर आएगा माइनस R2 I2. यहां उसके बाद E2 को क्या लेना है हमने? प्लस की माइनस. यहां पर हाई वोल्टेज है और यहां लो है, तो दिस विल बी प्लस. जब इधर से जाते हैं तो माइनस, इधर से आते हैं तो प्लस. ओके, इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं सो दैट वी विल गो बाय द वैल्यूज. आर वन वन ओ, सो दिस इज वन, दिस इज वन वन वन. ओके, ई वन इज इक्वल टू 2 वोल्ट. This will write 2 volt. E2 is equal to 4 volt. Ohm, and E3 is also equal to 4. This R2 is equal to 2 ohm. Okay, now we will write here R2, I2. R2 ki value likh dete hain 2. This 2. Okay, minus 2 I2 plus 4. This is plus 4. उसके बाद यहां से यहां गए, कैसा साइन मिलेगा हमको अलोंग द करंट? प्लस प्लस 1 I1. यहां पहुंच गए, फिर यहां से यहां जाइए. इसको क्या लिखना पड़ेगा? माइनस की प्लस बताइए. माइनस माइनस 2. अब ऊपर कोने में पहुंच गए, फिर यहां से यहां जाएंगे, इसको क्या लेंगे? प्लस, बिकॉज वी आर गोइंग अलोंग द करंट. सो प्लस 1 इंटू आई वन, प्लस 1 आई वन. अब ए पे वापस पहुंच गए हैं, इसलिए इज इक्वल टू सी. अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं. सो आई वन वाले अंडरलाइन बस. सो वन आई वन एंड वन आई वन, दिस इज टू आई वन. आई टू और आई टू नहीं है, सो माइनस टू आई टू ये हो गया. तो दिस इज फोर माइनस टू. फोर माइनस टू इज टू. टू को इधर ट्रांसफर किया तो माइनस.
इसको और एक स्टेप सिंप्लीफाई करना है, सो दिस विल बी आई वन माइनस आई टू इज इक्वल टू माइनस टू, सॉरी माइनस वन. दिस इज इक्वेशन नंबर वन. ठीक है, और ऐसे ही यहां से एक इक्वेशन बनाकर बताइए. सॉरी, दिस इज इक्वेशन नंबर टू. क्यों? क्योंकि यहां पर हमारा आ चुका है इक्वेशन नंबर वन. अब यहां से एक और इक्वेशन बनाकर बताइए. उसके लिए ये वाला रूल लीजिए, कैलकुलेशन ऐसे करिए एंटी क्लॉकवाइज. Start from B, come back to B.
तो ये लॉजिक समझ में आता है आपको, दिस आई वन इज नेगेटिव मींस हमने जो डायरेक्शन मानी है इस डायरेक्शन से उल्टी करंट है, एंड दैट इज ट्रू बिकॉज 4 वोल्ट इज मोर पावरफुल देन 2 वोल्ट, सो द करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन, हमने इधर मान ली है इसलिए हमारा आंसर माइनस में आया विच इज करेक्ट, तो इसलिए माइनस आंसर आने दीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसी तरह से आप ये ऑब्जेक्शन भी कर सकते थे कि इस जंक्शन में ये करंट एंटर कर रही है, ये करंट एंटर कर रही है, और हमने ये मान लिया ये करंट भी एंटर कर रही है, अगर तीनों करंट एंटर कर रही है तो लीव करने वाली करंट कहां नहीं है, सो इज इट रॉन्ग, आंसर इज नो, हमको उसकी परवाह नहीं है, हम तीनों को ऐसा लिख देते हैं और अल्टीमेटली जब हमारा आंसर आएगा तो आप देखेंगे एक करंट अपने आप उल्टी हो जाएगी, आई वन उल्टी होगी, अब क्या हो रहा है इधर से करंट जा रही है, इधर से करंट जा रही है और इधर से करंट आउट हो रही है, समझ में आया, वो अपने आप जब वैल्यू आएगी तो आप देखेंगे उसने अपने आप को ठीक कर दिया, राइट, लेकिन हम लोग अपने प्रिंसिपल से ही काम करेंगे दैट सम ऑफ ऑल द करंट शुड बी इक्वल टू जीरो, इसको लेके हमने किया तो ये सॉल्व हो गया, ओके okay? अच्छा ऐसा मत सोचिए कि बहुत बड़े बड़े सर्किट हो तभी हमारा ये लॉ काम में आता है, छोटे सर्किट में काम में नहीं आता है, ये सभी तरह काम में आता है, अगर करेक्ट है तो हर एक में काम में आएगा, जैसे ये रेजिस्टेंस है 2 ओम, दिस इज ए 4 वोल्ट बैटरी, किरचॉफ लॉ लगाइए, ओम्स लॉ सबको मालूम है, ओम्स लॉ से हम आई कैसे निकालते हैं, वी अपॉन आर, किरचॉफ लॉ लूप लॉ लगाइए, यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, पहले करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कितनी ब्रांचेस है इसमें, आंसर है देयर इज ओनली वन, ये एक पूरी और पूरे में करंट की एक ही वैल्यू होगी, लेट अस से द वैल्यू ऑफ करंट इज आई, अब यहां से ए से चलना शुरू करिए, करंट ऐसे जा रही है, यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, आई इंटू टू टू आई, फिर यहां पहुंचे हम यहां, इसको जंप करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कितना, -4 इज इक्वल टू 0, सो आई इज इक्वल टू इधर चला गया 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 एम्पीयर, ओम्स लॉ से भी यही आता है, ओके तो किरचॉफ लॉ से ही ओम्स लॉ के इक्वेशन हम लोग करते हैं, दैट इज वन एंड द सेम, किरचॉफ लॉ को आप हर एक में लगा सकते हैं, छोटा हो बड़ा हो हर जगह इसको इस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, एक बहुत ही एग्जेम्पलरी क्वेश्चन है, सालों से बन रहा है, वो रशिया के प्रोफेसर इरुडोव ने निकाला था, आई इरुडोव, और हर स्टूडेंट उसको करता है, सो लेट अस डू दैट आल्सो, दिस क्यूब हैज इक्वल रेसिस्टेंस इन ऑल द साइड्स एंड इज मेड ऑफ रेसिस्टेंस वायर, ऐसा भी हम कह सकते हैं या हम ये कह सकते हैं कि हर एक में आर रेसिस्टेंस लगा हुआ है, so this also has got R. Now how many corners it has got? It has got 8 corners. इसका जो diagonal होगा main diagonal वो यहां से लेके यहां तक होगा the farthest सबसे दूर वाला ये दो कॉर्नर्स, हमको ये निकालना है कि ये है पॉइंट नंबर 1, ये है पॉइंट नंबर, इसका कुछ भी नंबर दे दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सो व्हाट इज द रेसिस्टेंस बिटवीन पॉइंट नंबर 1 to 7, रेसिस्टेंस फ्रॉम 1 to 7, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 1 to 7, ये हमको निकालना है, ओके। रेसिस्टेंस निकालने के लिए किरचॉफ लॉ में एक बहुत ही अच्छा तरीका है और वो तरीका आप सबको मास्टर करना है, जिस दो पॉइंट के बीच में रेसिस्टेंस निकालना है उन दोनों पॉइंट से एक एक कंडक्टर लेके आइए और एक बैटरी जोड़ दीजिए, जैसे ये दो पॉइंट के बीच में
यहां पर कोई एक कॉम्प्लेक्स सर्किट लगा हुआ है रेसिस्टेंस का, दैट कॉम्प्लेक्स सर्किट इज लाइक दिस, और हमको बोला गया कि ये दोनों पॉइंट के बीच रेसिस्टेंस निकालिए। अगर ये दोनों पॉइंट के बीच रेसिस्टेंस निकालना है तो हम इसको इससे और इसको इससे जोड़ दें, ये दो पॉइंट, या इन्हीं दोनों पॉइंट से चलाकर हम एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। दिस बैटरी इज कनेक्टेड, दिस बैटरी हैज गॉट पोटेंशियल डिफरेंस वी, वी पोटेंशियल डिफरेंस इसने यहां पे अप्लाई किया और इसमें करंट गई आई। ये करंट जो आई यहां जाएगी, कुछ इसमें से जाएगी, कुछ इसमें से जाएगी, कुछ यहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जैसे भी जाएगी, वी आर नॉट कंसर्न। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वी, यहां करंट कितनी एंटर हो रही है आई, यहां भी करंट जो निकल रही है दैट इज ऑल्सो आई, तो ये बताइए वी अपॉन आई हमको क्या देगा, आर, किसका रेसिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वी, ए से कितनी करंट एंटर हो रही है आई और बी से आई निकल रही है, तो अगर हम वी अपॉन आई करेंगे तो क्या निकलेगा रेसिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। तो अब हमको यहां टुकड़ा टुकड़ा रेसिस्टेंस को जोड़ने की जरूरत नहीं है, हम क्या करते हैं इस बैटरी का वी और ये करंट आई इसका रेशियो निकालते हैं किसी भी मेथड से। अब मैथमेटिकली हमारा एक टारगेट बन जाता है, वो मैथमेटिकल टारगेट क्या है V अपॉन I की वैल्यू निकालना है। अगर हम V अपॉन I की वैल्यू निकालते हैं तो वो चीज हमको क्या देती है रेसिस्टेंस फ्रॉम A टू B। ये तरीका होता है किरचॉफ लॉ से इसको निकालने का, और इसके दो तीन क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी इसी तरह से बनाया गया है, जिस दो पॉइंट के बीच में रेसिस्टेंस निकालना है वहां पर हमने ये एक सोर्स ऑफ ईएमएफ कनेक्ट कर दिया। इस सोर्स ऑफ ईएमएफ का पोटेंशियल डिफरेंस है वी, और यहां से करंट निकलती है, दिस करंट इज आई, ये मेन करंट है और ये करंट यहां डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब हम इस करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, हमारा टारगेट याद रखिए, टारगेट क्या है हमारा वी अपॉन आई, ये हमको निकालना है। अगर हम वी अपॉन आई निकाल देंगे तो ये यहां से करंट एंटर हो रही है, यहां से निकल रही है, तो किसका रेसिस्टेंस निकलेगा, रेसिस्टेंस बिटवीन पॉइंट वन टू पॉइंट सेवन, वन टू सेवन, इस पूरे सिस्टम का रेसिस्टेंस निकल आएगा अगर हम वी अपॉन आई करेंगे। अगर हमको बोला गया कि रेसिस्टेंस निकालिए बिटवीन पॉइंट वन एंड फोर, तो हम क्या करेंगे बैटरी को यहां जोड़ देंगे, अगर यहां निकालने को बोला तो यहां जोड़ देंगे, और यही एक्सरसाइज आप बार बार करेंगे। ओके, अभी फिलहाल हम सबसे इजी वाला करते हैं, वन टू सेवन, इसके बीच रेसिस्टेंस निकालना है, यहां करंट एंटर हो रही है आई, तो किरचॉफ लॉ से हम पहले इस करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं यहां से आई। अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, दैट इज सिमेट्री। ओके, वन से सेवन पहुंचने का रास्ता, वन से कितने रास्ते निकलते हैं, वन टू थ्री, तीन रास्ते हैं, करंट तीनों में जाएगी। अब एक चीज देखिए, मैं आपको एक सिमेट्री बताता हूं, इधर ध्यान दीजिए सब, ये एक रास्ते से गई, यहां पहुंची फोर पे, जब ये फोर पे पहुंच जाएगी उसके बाद इसको एक स्क्वायर मिलेगा, ये स्क्वायर, और स्क्वायर के बाद कहां पहुंच गई, ठीक है। रास्ता नंबर दो देखिए, एक इसने आर को तय किया, जैसे यहां किया था, आर को तय करके कहां पहुंची फाइव, फाइव के बाद इसको ये क्या मिला स्क्वायर, कहां पहुंच गया सेवन। तीसरे रास्ते को देखिए, यहां से एक आर को पार किया टू, और यहां से सेवन जाने के लिए फिर से एक स्क्वायर। तीनों रास्ते का नक्शा बिल्कुल एक जैसा है, तो तीनों रास्ते का रेसिस्टेंस भी एक जैसा होगा। अगर तीनों का रेसिस्टेंस एक जैसा होगा तो तीनों की करंट भी कैसी होगी, एक जैसी होगी। टोटल करंट आई है, उसके तीन हिस्से हो रहे हैं और तीनों हिस्से एक जैसे हैं, तो एक हिस्सा कितना होगा आई अपॉन थ्री।
क्योंकि तीनों हिस्से एक जैसे, तो तीन में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो हमको यहाँ करंट पता लग गई ओनली बाय दिस आर्गुमेंट। तो यहाँ की करंट कितनी है, आई अपॉन थ्री, ये वाली आई अपॉन थ्री, ये वाली भी आई अपॉन थ्री। अभी तक हमको आई टू आई थ्री मानने की जरूरत नहीं पड़ी, आगे देखते हैं। ओके, ये यहाँ पर ये टोटल करंट कितनी पहुंचेगी, जितनी यहाँ से एंटर कर रही है, दैट टोटल करंट इज आई। ये जो करंट यहाँ पर आई निकल के आ रही है, ये कहाँ से सप्लाई हो रही है, इन तीनों रास्तों से। और ये तीनों रास्ते कैसे हैं, सिमेट्रिकल, क्या सबूत है, अभी हमने बताया। और देखिए ये रास्ता यहाँ से आया, तीन नंबर से आया, और तीन के इधर क्या है, स्क्वायर, ये डायगोनली वन से एंटर किया, एक स्ट्रेट लाइन और एक डायगोनल। दूसरी ब्रांच देखिए, स्ट्रेट लाइन और यहां से यहां डायगोनल। तीसरी ब्रांच देखिए, स्ट्रेट लाइन और ये डायगोनल, बिल्कुल सिमेट्रिकल है। मतलब तीनों से करंट कैसी आएगी, इक्वल, कितनी करंट आएगी, अगेन आई बाय थ्री। तो इसकी ब्रांच की करंट पता लग गई, आई अपॉन थ्री, आई अपॉन थ्री, एंड दिस इज ऑल्सो आई अपॉन थ्री। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अच्छा, अब यहां से आई अपॉन थ्री चली, ये यहां तक पहुंच गई आई अपॉन थ्री। अब इसके बाद इसके ये दो ब्रांचेस बन गए, ठीक है। यहां से आई अपॉन थ्री चली, इसके भी ये दो ब्रांचेस बन गए। यहां पर करंट कितनी होगी, फिर से सिमेट्रिक, ये एक दो, एक दो, दोनों तरफ बराबर है, तो दोनों रेसिस्टेंस बराबर, इसीलिए करंट का डिस्ट्रीब्यूशन भी बराबर। तो आई अपॉन थ्री के दो हिस्से हो गए, कितना हुआ यहां पे, आई अपॉन सिक्स, आई अपॉन सिक्स। ये यहां से यहां तक आई अपॉन थ्री गई है, तो इस ब्रांच में कितनी जाएगी, आई बाय सिक्स। इस ब्रांच में कितनी जाएगी, आई अपॉन सिक्स, ठीक है। अब यहां से यहां आई बाय थ्री गई है, यहां से यहां जाना है, ये दो टुकड़े में कितनी डिवाइड हो जाएगी, आई अपॉन सिक्स एंड आई अपॉन सिक्स, ठीक है। अब अगले कॉर्नर पे आइए, कॉर्नर नंबर एट, इधर से कितनी आई, इधर से भी कितनी आई, दोनों मिलकर कितनी बन गई, आई बाय, ये ऊपर भी आई बाय, यहां देख लो आई बाय सिक्स इधर से आई, आई बाय सिक्स इधर से गई, दोनों मिलके ऐसे गए, तो यहां से निकलेगी कितनी, आई बाय थ्री, ये आई बाय, इधर से आई बाय सिक्स गई, इधर से भी आई बाय सिक्स गई, ऐसे दोनों दोनों मिलके निकली कितनी यहां से, आई बाय थ्री। अब देख लीजिए, हर ब्रांच का डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया, हमको आई वन आई टू आई थ्री आई फोर आई फाइव कुछ नहीं मानना। तो ये सिमेट्री को लेके हमने इसको बनाया। इस तरह से सिमेट्री वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, आपको जो बुकलेट दी है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं सिमेट्री के, उसके ऊपर में एक सिमेट्री का क्वेश्चन बना हुआ है, आप देखिएगा उसमें। ये डायग्राम जो आप देखते हैं, ये डायग्राम सिमेट्रिक का है। एनीवे, अभी और क्वेश्चंस इसके सॉल्व करेंगे, यू विल कम टू नो। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया। अब हमको हमारा टारगेट ये है, याद रखिए v कौन से लूप में आता है, फर्स्ट लॉ को हमने लगा दिया किरचॉफ का, अब सेकंड लॉ में आते हैं, तो v कौन से लूप में आता है, तो हमारा आंसर है v इस लूप में आता है, ये वाला लूप। इसकी कैलकुलेशन करते और ऐसे लेते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कैलकुलेशन, पॉइंट नंबर वन से शुरू करिए, वन से लेके फोर तक कितना होगा, आर इंटू आई बाई थ्री, आर इंटू आई अपॉन थ्री, कहां पहुंच गए, फोर पे। कौन सा लूप कर रहे हम, लूप वन, फोर, एट, सेवन, बी वन, ये वन फोर एट सेवन बी एंड वन,
ओके शुरू किया आर इंटू आई बाई थ्री, उसके बाद प्लस आर इंटू आई बाई सिक्स प्लस आर इंटू आई बाई थ्री माइनस वी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, निकालिए वी अपॉन आई निकाल दीजिए इससे। तो एक ब्रांच में जितना रेसिस्टेंस होगा उसका 5/6 इसका आंसर आएगा। R इज व्हाट? R इज रेसिस्टेंस इन वन ब्रांच, वन लाइन, वन आर्म या वन साइड ऑफ द क्यूब। तो इसको आप एज इट इज याद भी कर सकते हैं कि एक क्यूब का हमने बनाया था कितना आया 5/6। तो ये आपको याद भी रहना चाहिए कि एक क्यूब में अपोजिट डायगोनल के अपोजिट कितना रेसिस्टेंस होता है 5/6 एंड दिस इज द मेथड।